नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं आज के न्यूज मैगजीन का विशेष संस्करण। आज का विषय है विज्ञान। इसे शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भारत की परमाणु शक्ति हुई अधिक संपन्न। सोलर दिया जो कभी नहीं बुझेगा। अब कूड़े से हो रही है लाखों की कमाई। अब चांद और मंगल पर होगी फिल्म की शूटिंग। दुश्मन को सिर उठाने का मौका ही न दे, ऐसे एक मिसाइल का परीक्षण भारत ने हाल ही में पूरा किया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का हाल ही में ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल से एशिया के कई शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। इंसान औसतन 6 सेकंड में एक बार पलक झपकता है। इतनी देर में ये मिसाइल करीब 50 किलोमीटर दूर चली जाएगी। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकसन संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल अपने निशाने पर सटीकता से हमला कर सकती है। इसे लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जा सकता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर ने दिवाली के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले एक दिए को बनाया है। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी सोलर से जुड़ी कई चीजें बना चुके हैं। इस क्षेत्र में उनको महारत हासिल हुई है। उनकी नवीनतम खोज से दिवाली मनाने वालों की जिंदगी में और खुशियां लाने के उद्देश्य से उन्होंने बनाए हैं ऐसे दिए जो सौर ऊर्जा से चलते हैं। उनकी इस खोज के जरिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में लोग चेतन सिंह द्वारा बने दिए जलाकर घर को रोशन कर रहे हैं। हर घर को ऐसे पर्यावरण पूरक दिए से रोशन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये दिए सूरज की किरणों से जलते हैं और कीमती तेल तथा ईंधन की बचत भी करते हैं। ट्रेन के भीतर का कूड़ा दिलाएगा रेलवे को करोड़ों की कमाई। कैसे, आइए जानते हैं। जिस कूड़े के निस्तारण के लिए पहले रेलवे पैसा खर्च करती थी, अब उसी कूड़े से लाखों की कमाई कर लेगी। नॉर्दर्न रेलवे ने अपने करीब 30 स्टेशनों की ट्रेनों के लिए प्राइवेट पार्टी से 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये कंपनी ट्रेनों से कूड़े उठाने के एवज में रेलवे को 10 लाख रुपए सालाना दे रही है। ट्रेन के भीतर का कूड़ा करोड़ों का है। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी यात्रियों के कूड़े को इकट्ठा करते हैं। इसकी छटाई को लेकर इस कूड़े को सेग्रीगेशन सेंटर ले जाया जाता है, जहां मुसाफिरों के कूड़े की एक एक चीज को अलग अलग छांट कर रखा जाता है। ट्रेन यात्रियों के इस्तेमाल में लाई गई चीजों से कुल 7 तरह का कूड़ा निकलता है। दिन भर में 1.5 टन का कूड़ा ट्रेनों से अमूमन जमा किया जाता है। फिलहाल राजधानी और जनशताब्दी जैसी 30 ट्रेनों में कूड़ा उठाने की अनुमति दी गई है और नॉर्दर्न रेलवे से करार किया गया है। कन्वेयर बेल्ट पर कूड़े को अलग करने के बाद बेलिंग मशीन के जरिए इसको पिचकाया जाता है और बंडल में बांधा जाता है। उठाए गए कचरे में से करीब 70% का कंपनी रिसाइकल करती है। इन कूड़ों से ग्लास, प्लास्टिक के दाने, कागज, एल्यूमिनियम के सामान और इलेक्ट्रिसिटी तक बनाई जाती है। साथ ही जो बचा खाना रहता है उससे खाद भी बन जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के अनुसार पहले जिस कूड़े को उठाने के लिए रेलवे पैसे खर्च करती थी, अब साफ सफाई भी हो रही है और उसी कूड़े से कमाई भी। ये 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे रेलवे को करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाद अब होगी चंद्रमा और मंगल पर फिल्म की शूटिंग। आइए इस विषय को ठीक से जानते हैं। रूसी फिल्म निर्देशक क्लिम शिपेंको ने ऐलान किया है कि वह अब चंद्रमा और मंगल पर शूटिंग के लिए तैयार है। हाल ही में उन्होंने 12 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर एक फिल्म की शूटिंग की थी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग ने
सिनेमा की संभावनाओं के बारे में उनके विचार को बदल दिया है। वे अब सभी संभावनाओं के पार जाकर फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। चंद्रमा पर फिल्म शूट करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि स्पेस सिनेमा को स्पेस में ही फिल्माया जाना चाहिए। अगर कोई चंद्रमा के बारे में पूछ रहे हैं तो हम वहां भी जाने को तैयार हैं। अगर कोई मंगल के बारे में पूछ रहे हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसी फिल्मों को स्टूडियो में क्यों फिल्माया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। एक्ट्रेस यूलिया पेरिसिल ने कहा कि अंतरिक्ष में शूट करना हर सेकंड के लिए एक बड़ा आह्वान था। पेरिसिल इस मूवी में एक डॉक्टर की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री के जीवन को बचाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने के लिए कहा जाता है। इसी के साथ आज के इस न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। आप सबको फिर से एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।